जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्री भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। श्री भक्तों का इस गीता के सत्र में स्वागत करते हैं। हमने 11वें अध्याय के ऊपर चर्चा आरंभ की थी। हमने देखा गीता के इस अध्याय में अर्जुन ने अभी तक जो ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उस ज्ञान को श्रवण करने के बाद अर्जुन के मन में श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है ये विश्वास तो उत्पन्न हो गया है। लेकिन फिर भी आने वाले पीढ़ियों के लिए भविष्य में किसी को कुछ संशय न रहे, इसलिए अर्जुन चाहता है कि भगवान एक बार उनका वो रूप दिखा दे जिस रूप में भगवान सारी सृष्टि को व्याप्त करते हैं, जिस रूप में उनका ऐश्वर्य प्रकट होता है। तो उसी इच्छा से अर्जुन भगवान को विनती करते हैं इस अध्याय में पहले 4 श्लोकों में कि कृपया उस रूप को मुझे दर्शाइए। तो हमने इसके बारे में चर्चा की कि कैसे भक्ति में ज्ञान तो आवश्यक है, पहला स्टेप श्रवणम या ज्ञान के अनुसार ही हम साक्षात्कार को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जब इस ज्ञान को अपने जीवन में पालन करेंगे तो फिर हम कुछ चमत्कार या भगवान के हस्तक्षेप की अपेक्षा कर सकते हैं। और फिर अर्जुन यहाँ पर नम्रता पूर्वक भगवान के सामने अपना प्रस्ताव रखता है कि हे कमल पत्राक्ष, हे मेरे मित्र श्री कृष्ण, मैं तो आपको जान चुका हूँ श्रवण मात्र से, लेकिन हे परमेश्वर हे पुरुषोत्तम, मैं आपका वो ऐश्वर्य रूप देखने की इच्छा रखता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि ये शक्य है, मेरी पात्रता है, तो हे योगेश्वर कृपया मुझे आपका वो अमर्याद विश्व रूप दिखाइए। फिर हमने देखा 5वें श्लोक से आगे भगवान बोलना आरंभ करते हैं और भगवान फिर अर्जुन को कहते हैं 3 श्लोकों में, देखो अर्जुन, मेरे इस हजारों रूपों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जिनमें अलग अलग प्रकार के दिव्य प्रक्षेपण हैं और यहाँ पर कई नाना प्रकार के वर्ण से युक्त इस रूप को देखो। भगवान कहते हैं अर्जुन देखो, इसमें आदित्य वसु रुद्र अश्विन अश्विनी कुमार मरुत तथा जो भी भूतकाल में हुआ है, जो भी भविष्य काल में तुम देखना चाहोगे, वह सब कुछ इसमें आप देख सकते हो। पूरा जगत एक जगह पर मैंने समेट लिया है, इस रूप को देखो हे गुड़ाकेश। और फिर 8वें श्लोक में भगवान कहते हैं, शायद ही तुम अपने निजी नेत्रों से इस लौकिक दृष्टि से इस रूप को देख पाओगे, इसे तुम्हें मैं दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं। तो अर्जुन के जो नेत्र है वो कोई लौकिक नेत्र नहीं है,
उसके जो नेत्र है वो प्रेम या भक्ति के नेत्र है, जो भगवान के श्याम सुंदर रूप को निरंतर देख रहे थे, निहार रहे थे। लेकिन अभी कृष्ण उनको जो रूप दिखाना चाह रहे हैं वो दिव्य रूप देखने के लिए, जो स्वर्गीय रूप है, अर्जुन को थोड़ा एक स्टेप नीचे आना पड़ेगा। भगवान उसे दृष्टि प्रदान करते हैं और फिर संजय वर्णन करता है कि कौन सा रूप भगवान ने उस कुरुक्षेत्र की भूमि पर उत्पन्न किया, जो व्यास देव की आशीर्वाद से संजय भी देख पा रहे थे। एवं उक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमं रूपं ऐश्वरम। तो अर्जुन को उस समय उन्होंने अपना वो दिव्य रूप दिखाया। तो 10, 11, 12, 13 और 14 श्लोकों में संजय वर्णन करता है कि किस तरह अनेक वक्त्र, अनेक नयन और अद्भुत दर्शन वाला, बहुत सारे दिव्य अलंकार और तेजस्वी ये रूप, अलग दिव्य गंध अनुलेपन किया हुआ, सारे देवता जिसमें देख सकते हैं, उस विश्वतोमुख को अर्जुन ने देखा, मानो कोटि कोटि सहस्त्र सूर्य वहां पर प्रकट हो गए हो, उस तरह से उसकी तेजो प्रभा थी। इस तरह से अर्जुन उस रूप को देखता है। और 15वें श्लोक से अर्जुन भगवान के सामने अपनी प्रार्थनाओं को प्रस्तुत करने लगता है। तो इस सेक्शन में हम देख रहे थे कि कैसे अर्जुन पहले कुछ श्लोकों में भगवान के इस विराट रूप के वर्णन करता है। तो वो श्लोक हमने पढ़े कि किस तरह इस रूप में सारे देवता को देख रहा हूँ, सारे जीवों को देख रहा हूँ, ब्रह्मा जी जो सबसे उच्च ब्रह्मलोक में रहते हैं उनको भी मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, और साथ साथ जो दिव्य सर्प है यानी वासुकी, उनको भी मैं देख रहा हूँ। हमने देखा कैसे कि पूरा ब्रह्मांड दोनों के बीच में आ गया। वासुकी के ऊपर विष्णु सोते हैं, उनके नाभि से कमल निकलता है, जिस कमल के दंडी में सारे 14 भुवन हैं, और उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी सबसे उच्च लोक में रहते हैं। तो अर्जुन कह रहा है वासुकी से लेकर ब्रह्म तक सब कुछ मैं इस विश्व रूप में देख रहा हूँ। तो हालांकि ये लीला भूमंडल में चल रही है, जो इस 14 भुवन में से एक है, लेकिन कृष्ण की में शक्ति है कि अपना ऐश्वर्य उस भूमंडल के एक छोटे से पृथ्वी लोक में, एक कुरुक्षेत्र की भूमि पर अर्जुन के सामने पूरा ब्रह्मांड प्रस्तुत कर रहे हैं। तो अर्जुन देखकर कहता है यहाँ पर कई कई नेत्र हैं, कई कई मुख हैं, अनंत इसका रूप है, इसका कोई आदि मध्य अंत मुझे दिखाई नहीं देता, ये पूरा विश्वेश्वर या विश्व रूप है। कितने सारे यहाँ पर मुकुट, चंद्र, शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हैं, इस दैदीप्यमान रूप में मैं देख सकता हूँ। आप ही सबके स्रोत है, शाश्वत है, तमस्य विश्वस्य परम निधानम। तो 2 बार अर्जुन कहता है कि आप सारे सृष्टि के आधार हैं, सनातन हैं, आपके अंदर ही मैं सारे चंद्र सूर्य आपके नेत्रों के रूप में देख रहा हूँ। दीप्त हुषात उताश वक्त्रम स्व तेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। इस तरह अर्जुन वर्णन करता है। फिर 20वें श्लोक में अर्जुन कहता है कि आपका ये रूप देखकर, अभी अर्जुन का भय थोड़ा बढ़ने लगा है 20वें श्लोक से आगे, और अर्जुन कहता है आपका ये उग्र रूप देखकर तीनों लोक के जो रहिवासी हैं वो सारे व्यथित हो गए हैं, भयभीत हो गए हैं। तो प्रभुपाद वहां पर लिखते हैं कैसे इन स्वर्गीय लोगों ने भी ये विश्व रूप का दर्शन किया था। तो अगले श्लोक में अर्जुन कहता है 22वें श्लोक में कि किन किन लोगों ने आपका दर्शन किया जो भयभीत हो गए, आपको देखकर विस्मित हो गए। रुद्रगण, आदित्यगण, वसुगण, साध्यगण, विश्वेश, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्धदेव, ये सारे लोग आपको यह रूप देखकर विस्मित हो गए। और फिर अर्जुन भगवान के उस भयंकर रूप को देखने लगता है, जिसको देखकर अभी वो स्वयं भी भयभीत हो जाता है। कितने सारे जबड़े जो विशाल काय हैं, जमीन से लेकर आकाश तक जो अपना मुंह फैलाए हुए हैं, न जाने कितने लोगों को वो खा लेंगे, मार लेंगे। तो भगवान अपना ये मृत्यु रूपी, काल रूपी स्वरूप अर्जुन के सामने प्रकट करते हैं। यहां तक हमने चर्चा की थी, 28वें श्लोक तक हमने चर्चा की थी कि कैसे नदी के प्रवाह के जैसे सारे कौरवों के जो मुख्य वीर हैं, जैसे धृतराष्ट्र के सारे पुत्र,
भीष्म पितामह स्वयं, द्रोणाचार्य, कर्ण, पांडवों के पक्ष पे भी मुख्य योद्धा हैं, ये सारे भगवान की उस मुख में प्रवेश कर रहे हैं। वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्टा करालानि भयानकानि केचित् विलग्ना दशनांतरेषु सदृश्यन्ते चूर्णितै उत्तमांगै। तो कुछ कुछ लोगों को तो भगवान के दांत में अटक के ही वो उनके सर चूर चूर हो रहे हैं, तो वहां पर ही मृत्यु के मुख में अपने आप के अंत को आलिंगन दे रहे हैं। फिर आगे अर्जुन देखते हैं कि किस तरह जैसे नदियां समुद्र में प्रवेश करती है, वैसे महान महान योद्धे आपके इस दैदीप्यमान मुख में प्रवेश किए जा रहे हैं। अर्जुन उपमा देता है 29वें श्लोक में, यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशंति नाशाय समृद्ध वेगा तथैव नाशाय विशंति लोका एवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा। तो जिस तरह कोई पतंग अग्नि की तरफ दौड़ता है अपने ही मृत्यु को देखकर, उस तरह सारे योद्धाएं आपके इस काल रूप के मुख में प्रवेश करते हुए मैं देख सकता हूं। तो 30वें श्लोक से आगे हम आज पढ़ेंगे, जिसमें अर्जुन अभी अपना भय प्रकट कर रहा है। लेली यसे ग्रसमाना समंता लोकान समग्रान वदनै ज्वलद्भि तेजो विपूर्य जगत समग्रम भासस्तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णु। हे विष्णु, तुम्ही आपल्या प्रज्वलित मुखांनी सर्व बाजूंनी सर्व लोकांना गिळंकृत करीत असल्याचे मी पाहत आहे। आपल्या तेजाने तुम्ही संपूर्ण जगत व्यापून उग्र प्रखर होरपळणाऱ्या किरणांनी प्रकट झाला आहात। तो काल रूप का यहाँ पर वर्णन कर रहा है कि कैसे काल रूप सारी दिशाओं में सिर्फ विध्वंस कर रहा है और सभी को गिलंकृत किए जा रहा है। अख्या ही मे को भवान उग्र रूपो तमोस्तु ते देव वर प्रसीद विज्ञातुम इच्छामि भवंत माध्यम नहि प्रजानाम इव तव प्रवृत्तिम। तो अर्जुन बहुत ही भ्रमित अवस्था में इस श्लोक कह रहे हैं। वो कह रहा है, हे देवाधिदेव, कृपया मुझे बताइए ये उग्र रूप धारण किए हुए आप कौन हैं? ये क्या रूप है, क्या दिखाना चाहते हैं आप, कौन हैं आप? मतलब अर्जुन जानता है कि उसने भगवान की विनती की थी, आप कृपया मुझे ये रूप दिखाइए। तो कृष्ण ही वो जानता है, लेकिन ये आपका कौन सा रूप है समझ नहीं पा रहे। जैसे हिरण्यकशिपु को मारने के लिए जो नरसिंहदेव प्रकट हुए थे, तो कुछ दिन के बाद नरसिंह चतुर्दशी आ रहा है, तो उस समय भी ऐसा वर्णन आता है, दृष्ट्र कराला यानी बड़े बड़े जबड़े जिनके हैं। तो ये नरसिंहदेव का रूप जब लक्ष्मी जी देखती है तो लक्ष्मी जी भगवान को पहचान नहीं पाती, बोले तो नहीं ये मेरे पति नहीं हो सकते, ये कोई और है, इसके सामने में खड़ी नहीं हो सकती, प्रार्थना है तो दूर की बात है। तो उसी तरह अर्जुन ने स्वयं ही भगवान को बुलाया, बोला है कि रूप प्रकट करे, लेकिन ये रूप देखकर अभी अर्जुन खुद डर गया है, मानो भूल रहा है कि कौन है वो। मैं आपको प्रणाम करता हूं, कृपया मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, आप ही आदि पुरुष हैं, मैं आपको जान सकता हूं, लेकिन इस अवतार में इस रूप में आपका प्रयोजन मैं समझ नहीं पा रहा हूं। क्या कर क्या रहे हैं आप, इतना विध्वंस क्यों कर रहे हैं? तो ये जो भगवान का विध्वंसक रूप है उसका नाम अर्जुन पूछ रहा है कि कौन है आप, क्या करना चाह रहे हैं आप, कौन सा ये रूप है? तो अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर भगवान देते हैं। तो अगले दो श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उसके ऊपर हम ध्यान देंगे। श्री भगवान उवाच, कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुम इह प्रवृत्तम् ऋतेऽपि त्वं न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिता प्रत्यनिकेषु योधाः। श्री भगवान ने कहा, भगवान मृणाले, जगतांचा विनाश करणारा काल मी आहे, कालो अस्मि, ये जो मेरा रूप है इसका नाम क्या है, काल हूं मैं अर्जुन।
कालो अस्मि और मेरा काम क्या है, प्रयोजन क्या है? लोक क्षय, सारे जगत का विनाश, लोक क्षय कृत प्रवृद्ध हो, लोकान समाहर्तुम इह प्रवृत्त, सर्व लोकांचा संहार करण्यासाठी मी या ठिकाणी आलो आहे, तुझ्या व्यतिरिक्त आणि तुझ्या बंधून व्यतिरिक्त, म्हणजे खास करून पांडवांव्यतिरिक्त दोन्ही सैन्यातील सर्व योद्ध्यांचा विनाश होणार आहे, कोणी नाही बचेगा अर्जुन, कोणी नाही बचेगा, सिर्फ आप और आपके गिने चुने भाई पांडव बचेंगे, तो गिने चुने लोगों को छोड़कर यहाँ पर कोई नहीं बचेगा, ये मेरा जो काल रूप है सबका विनाश कर देगा, जो तुम देख रहे हो सही देख रहे हो, सारे कौरव की जो मृत्यु हो रही है, भीष्म भी मेरे मुख में चूर हो रहे हैं, द्रोण भी प्रवेश कर रहे हैं, कर्ण भी मारा जाएगा, धृतराष्ट्र के सारे 100 पुत्र मारे जाएंगे, तो भगवान का बहुत ही भयंकर रूप है, और भगवान कह रहे ये जो रूप है इसका नाम क्या है, काल रूप। हम इस्कॉन के मंदिर में जाते हैं तो भगवान के अलग अलग विग्रह होते हैं, उनके अलग अलग नाम होते हैं, तो कोई सुंदर विग्रह दिखा पूछता है इनका नाम क्या है, ये कौन है, हम जानते हैं कि कृष्ण ही है, लेकिन फिर भी इतना अद्भुत रूप, तो हम जानना चाहते हैं स्पेसिफिकली कौन सा रूप है, वृंदावन बिहारी है, गोपीनाथ है, राधानाथ है, रास बिहारी है, गोकुलानंद है, तो ये हम जानना चाहते हैं। तो वैसे अर्जुन ने जब इस रूप को देखा तो पूछा आप कौन है, जानता हूं कृष्ण ही है लेकिन ये रूप कभी देखा नहीं, तो बड़ा भयंकर है। भगवान ने कहा ये कौन है, टाइम आई एम द डिस्ट्रॉयर ऑफ एवरीथिंग, तो मैं समय हूं। जैसे आपने अगर बीआर चोपड़ा जी का महाभारत सीरियल देखा होगा तो उसके सीरियल शुरुआत होने के पहले ऐसा एक चक्र दिखाते थे, मानो रथ का पहिया है और वो घूमता रहता था, और वो क्या कहता था, मैं काल चक्र हूं, और इस हस्तिनापुर की धरती पर अभी सब कुछ खत्म करके ही मेरा कार्य संपन्न होगा। तो ये काल चक्र जो है, कभी कभी इस काल के प्रभाव को देखकर लोग भ्रमित हो उठते हैं कि क्यों भगवान ऐसा रूप धारण करते हैं, समय इतना निष्ठुर क्यों होता है। जैसे अभी लोग पूछ रहे हैं कब तक चलेगा ये लॉकडाउन, कब तक रहेगा ये कोरोना, कब हम मुक्त हो जाएंगे, कब घर घर से बाहर निकलेंगे, अपने भक्तों को मिलेंगे, रिश्तेदारों को मिलेंगे, भगवान के दर्शन करेंगे, इतना बुरा समय क्यों आ गया है। तो जिंदगी में जब जब खराब टाइम आता है तो लोग उस समय को गाली देते हैं, क्या करे समय ही खराब है, मैं खराब नहीं हूं, तुम खराब नहीं हो, कौन खराब है, समय ही खराब है। तो इस काल को हमें समझना बहुत जरूरी है, हमने चर्चा की कल कि टाइम मैनेजमेंट, तो बहुत बार लोग टाइम मैनेजमेंट मतलब कुछ तो मैनेजमेंट कर सकते हैं, इसको कैन वी मैनेज टाइम, जैसे गवर्नमेंट ऑफिसर को लोग मैनेज करते हैं, कोर्ट में वकील को मैनेज करते हैं, सिग्नल पे मामा को मैनेज करते हैं, स्कूल में टीचर को मैनेज करते हैं, तो क्या हम इस टाइम को भी मैनेज कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट वाले लोग सोचते हैं कि मैं कुछ तो ट्रिक निकालूंगा, कुछ तो टेक्निक निकालूंगा जिससे कि टाइम को भी मैनेज करूंगा, लेकिन इसमें मैनेजमेंट करना इम्पोर्टेंट नहीं है, टाइम कौन है वो पहले समझना जरूरी। तो भगवान कह रहे मैं स्वयं समय हूं, काल हूं, टाइम आई एम। तो कभी कभी समय ये जो भयानक रूप दिखाता है इसका क्या प्रयोजन होता है, जो अर्जुन ने पूछा कि आपका क्या प्रयोजन है इस अवतार में, तो भगवान ने कहा सब कुछ नष्ट करूंगा, विध्वंस कर दूंगा सब कुछ। तो क्यों भगवान ऐसे करते हैं, तो ऐसा कहा जाता है वी नीड टू लर्न फ्रॉम द टाइम। काल का एक रूप है जो अग्नि की तरह सब कुछ भस्मसात कर देता है, तो काल को अग्नि की साथ भी उसका तुलना किया जाता है, और काल की तुलना शिक्षक के साथ भी की जाती है या टीचर के साथ। तो भगवान अभी अर्जुन के सामने अभी तक जो 10 अध्याय सुनाए तो उसमें एक टीचर की तरह सब कुछ पढ़ा रहे हैं अर्जुन को, और अर्जुन के माध्यम से सारी दुनिया को पढ़ा रहे हैं। लेकिन जब भगवान इस तरह पढ़ाते हैं
जो स्टूडेंट सीखते नहीं या भगवान की उस भाषा को समझते नहीं, तो जो अच्छे टीचर होते हैं, तो जब अगर स्टूडेंट कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स में ध्यान नहीं दे रहे, समझ नहीं पा रहे, तो फिर टीचर क्या करती है? टीचर हार नहीं मानती, टीचर और ज्यादा प्रयास करती है अच्छे से सिखाने का, अपनी टेक्निक बदलती है और कभी कभी हाथ में लाठी लेकर भी खड़ी हो जाती है ताकि लोग सुधरें और अपने आप को सुधारें। तो उसी तरह समय जो काल है वो कभी कभी अपने हाथ में लाठी लेकर खड़ा हो जाता है, जिससे कि लोग समझ पाए कि क्या चल रहा है। तो भगवान के जो रूप है समय का, काल का, जब हम उनके मुख से जो गीता निकलती है उसको सुनने की इच्छा नहीं रखते, उसको सुनकर अपने जीवन को नहीं सुधारते, जीवन का वास्तविक सत्य क्या है उसको समझते नहीं, बार बार उस सत्य को ठुकराते रहते हैं, जिसको कहते हैं डिनायल मोड। जैसे कभी व्यक्ति सुनने के मूड में ही नहीं होता तो फिर जोर की आवाज करनी पड़ती है। तो जोर की आवाज जब काल देता है तब बड़े बड़े सोए हुए वीर जाग जाते हैं। ये जो काल है भगवान का स्वरूप है, हमको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो जीवन है उसमें क्या सत्य है वो जान लीजिए। जैसे हमने चर्चा की थी, काल का प्रभाव अगर हम भूतकाल में देखेंगे, इतिहास अगर प्रामाणिकता से पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि काल ने सब कुछ खत्म कर दिया है, व्यक्ति के सिर्फ नाम रह गए। जो इतिहास हम पढ़ते हैं उसमें सिर्फ यशस्वी लोगों के नाम बचे हैं। जैसे प्रभुपाद एक बार जब रोम में गए तो वहां पे नेपोलियन बहुत फेमस था, शायद रोम में ही। तो प्रभुपाद ने पूछा, ये रोमन एम्पायर इधर ही है, नेपोलियन कहाँ गया? लोग को समझाने क्या प्रश्न ही है। बोले इतना बड़ा उसने राज साम्राज्य बनाया मगर वो कहाँ है? वो तो चला गया काल के प्रभाव में। इसे हमें क्या समझना चाहिए? वी शुड नॉट टेक अचीवमेंट्स इन दिस वर्ल्ड टू सीरियसली सो दैट वी फॉरगेट व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट। कभी कभी हम सद्य परिस्थिति से या सद्य परिस्थिति में इस भौतिक जगत में ही अपने जीवन को सजाने में इतने लग जाते हैं कि जीवन खत्म होने वाला है इसके बारे में भी भूल जाते हैं। तो समय हमें सिखाता है कि देखिए सब कुछ विनाश होगा, जीवन भी विनाश होगा, देह का भी विनाश होगा, तो इसलिए स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन समथिंग परमानेंट, जो काल के प्रभाव से नष्ट नहीं होगा। ऐसे चीजों में इन्वेस्टमेंट जो आरंभ करेगा वो बुद्धिमान है। तो बुद्धिमत्ता इसमें है कि ना कि हम टेम्परेरी चीजों में इन्वेस्ट करें, ऑफकोर्स जो भी टेम्परेरी लाइफ के लिए जरूरी है वो सब करना ही पड़ेगा, लेकिन उसमें इतने ना खो जाए कि जो अपना परमानेंट लाइफ है, भगवत धाम जाने का जो ध्येय है उसे ही हम भूल जाए। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट सीख काल से हमें मिलता है, द टाइम ऑफर्स अस रिलीफ एंड कॉन्फिडेंस। समय के साथ हमें रिलीफ मिलता है और अपना निश्चय या कॉन्फिडेंस बढ़ता है। कैसे? जैसे दुनिया में जीते जीते बहुत सारे लोगों के साथ हमारा संपर्क आते हैं, जिनको हम बहुत सुधारने का, बताने का, समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो सुधरते ही नहीं, समझते ही नहीं, कितना भी उन्हें समझाइए उनकी आदतें बदलती ही नहीं, वो जैसे ही वैसे ही रह जाते हैं। तो हमें समझना चाहिए कि सारे लोगों को ठीक करने के लिए हम अकेले पर्याप्त नहीं हैं। कभी कभी हमें भगवान की जो काल शक्ति है उसके ऊपर भी भरोसा रखना चाहिए। द टाइम विल टीच अ लेसन टू एवरीवन बट विद इट्स ओन स्पीड। तो समय के साथ सबको अपनी सीख मिलेगी, हमें याद रखना चाहिए, और हर किसी व्यक्ति को सुधारने के लिए अपना समय नहीं गंवाना चाहिए, अपना प्रयास करें, लेकिन इतना याद रखें कि आपसे नहीं सुधरे तो भी चलेगा, लेकिन समय जब अपनी फांसी फेंकेगा तब तो उस व्यक्ति को समझने के लिए मजबूर कर देगा। मेनी थिंग्स आर टॉट इन टाइम। जैसे
एक सुभाषित है संस्कृत में जिसमें बहुत अच्छा लिखा है, वो कहते हैं व्यक्ति का जो 25% नॉलेज है वो आचार्यों से सुनने से मिलता है, जो वो श्रवण करता है सीनियर से वो श्रवण करने से उसको 25% नॉलेज मिलता है। फिर 25% नॉलेज जब वो उन चीजों को ना 25% नॉलेज जब वो अपने संगी विद्यार्थियों के साथ जब चर्चा करता है तो वो चर्चा करने से उसको बचा हुआ और 25% ज्ञान प्राप्त होता है। और फिर जब वो उस ज्ञान को अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करेगा तब और 25% ज्ञान उसे प्राप्त होगा। लेकिन फिर भी 25% जो बचता है वह समय के साथ उसे समझ में आएगा, क्योंकि हर किसी व्यक्ति को हर कोई चीज उसी समय समझेगी, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि समय का भी कुछ हाथ है ये हमें समझना चाहिए। और लोग वी शुड नॉट गेट ऑन पीपल्स केस कि नहीं आज ही इसको समझना ही चाहिए, क्यों ये समझ दे रहा है, तो हमें कभी कभी लोगों को छोड़ देना चाहिए कि समय के साथ सीख जाएगा। सो इफ यू बिलीव इन टाइम्स टीचिंग कैपेसिटी देन वी विल फील रिलीफ। तो अगर हमें समय की जो सिखाने की क्षमता है उसके ऊपर अगर हमें भरोसा है तो हमें कुछ कुछ केस में फिर रिलीफ मिल सकता है। दूसरा, टाइम प्रोवाइड्स कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस मीन्स जैसे भगवान आगे के श्लोक में कहेंगे कि जो समय है आपने जो भी प्रयास किया है उस प्रयास का फल आप तक लाके पहुंचाएगा, लेकिन समय के साथ। वी शुड डू आवर पार्ट एंड हैव अ कॉन्फिडेंस दैट कृष्णा इन द फॉर्म ऑफ टाइम विल कॉन्ट्रीब्यूट द रेस्ट। हमें अपना पूरा प्रयास करना चाहिए और लेकिन समझना चाहिए भले उसका रिजल्ट तुरंत नहीं दिखेगा लेकिन समय के साथ भगवान जरूर इसके साथ आदान प्रदान करेंगे। तो ये दो चीज हमें समय से सीखने को मिल सकता है। पहला, टाइम इज अ टीचर, कृष्ण गीता में सिखाते हैं वो जब हम सीखेंगे नहीं तब फिर भगवान को काल रूप लेना पड़ता है और फिर विध्वंसक रूप धारण करने के बाद व्यक्ति सीखते हैं। दूसरा, समय से हम दो गुण सीख सकते हैं, वी गेट रिलीफ एंड वी गेट कॉन्फिडेंस। रिलीफ कि भाई चलो नहीं सुधरा है, समय के साथ सुधर जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली सबके जीवन में जब उस परिस्थिति से आदमी गुजरता है तभी कुछ कुछ चीजें उसको समझ में आती। जैसे एक बार एक बिजनेसमैन को पूछा गया कि आप इतने सक्सेसफुल हैं आपके सक्सेस का सीक्रेट क्या है, तो उसने कहा टू वर्ड्स, दो शब्दों में मेरा सीक्रेट है। ये क्या सीक्रेट है? तो मेरा सक्सेस का सीक्रेट है राइट डिसीजंस। बोले अच्छा, राइट डिसीजन के वजह से आप इतने सक्सेसफुल हो गए? बोले हाँ, सही निर्णय लेने से मैं सक्सेसफुल हो गया। बोले मगर सही निर्णय लेते कैसे हैं आप? तो बोले देयर इज अ वन वर्ड सीक्रेट फॉर गुड डिसीजंस या राइट डिसीजंस। बोले वो वन वर्ड क्या है, हम सुनना चाहेंगे। उसने कहा वो एक शब्द है जिसकी वजह से मैं अच्छे निर्णय ले पाता हूँ, वो है एक्सपीरियंस। तो कहते हाँ, तो एक्सपीरियंस की वजह से आप सही डिसीजन ले पाते। बोले हाँ, लेकिन एक्सपीरियंस कैसे मिलता है? बोले टू वर्ड्स, दो शब्दों का सीक्रेट है उसका भी। बोले वो दो शब्द क्या है, हम सुनने के लिए बेताब है, बताइए हमारे ऑडियंस। तो फिर व्यक्ति ने कहा रॉन्ग डिसीजंस। जब हम रॉन्ग डिसीजन लेते हैं तब एक्सपीरियंस मिलता है, जब एक्सपीरियंस मिलता है तब जाके भविष्य में राइट डिसीजन क्या पता चलता है। तो कभी कभी जो बातों के लातों के भूत बातों से नहीं मानते तो कभी कभी थर्ड क्लास इंटेलिजेंस होता है वो एक्सपीरियंस ही सीखना चाहते हैं। वो सुनने से या दूसरे लोगों को देखने से सीखता नहीं है, खुद समय के साथ ठोकर खाएगा फिर सीखेगा। तो हमें सुबह समझना चाहिए कि ठीक है, इसके लिए समय ही टीचर है, मैं इसका टीचर नहीं बन सकता। रिलीव योर सेल्फ। दूसरा है कॉन्फिडेंस, इफ यू डू अवर पार्ट टाइम विल गिव अस दैट बेनिफिट। फिर अगला श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस 32वें श्लोक के
तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कुछ चीजें लिखते हैं कि ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो या कोई भी व्यक्ति हो, एक निवाली की तरह, भोजन की तरह भगवान के द्वारा सब हर कोई भक्षण किया जाएगा। भगवान का ये रूप सर्वभक्षी राक्षस के समान है। यहां पर कृष्ण अपने आप को सर्वभक्षक काल के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। तो भगवान यहां पर अर्जुन को दिखाना चाह रहे हैं, भले ही तू अगर इन योद्धाओं को मारने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन ये जान लो कि ये सारे काल के प्रभाव से नष्ट होने ही वाले हैं। तुमको कितना भी भीष्म और द्रोण के ऊपर प्यार आए, तुम कितने भी अपने अस्त्र शस्त्र डाल दो नीचे, युद्ध से भाग जाओ, लेकिन भीष्म और द्रोण शाश्वत काल तक जीवित नहीं रहने वाले, काल के प्रभाव से उनकी मृत्यु तो होनी ही है। तो कर्ण और उनकी क्या बात है, आपके भी पक्ष के जितने राजा हैं वो भी मरने ही वाले हैं, ऑलरेडी मैंने सबको मार दिया है, सिवा आपको दिखा रहा हूं भविष्य में क्या होने वाला है। तो ये दिखाकर भगवान अर्जुन को कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं, जो गीता को मेरे हिसाब से बहुत ही कॉन्फिडेंस गिविंग, द बिगेस्ट मोटिवेशनल श्लोका इन गीता, तो वो है 11.33, 35वां श्लोक। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुक्षं राज्यं समृद्धं मय्येव एते निहता पूर्वम् एव निमित्तमात्रं भवसव्यसाचिं। भगवान यहाँ पे कह रहे तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व, क्योंकि मैंने अभी इन सबको मार दिया है, तुम देख रहे हो, तस्मात् इसलिए है अर्जुन, उत्तिष्ठ त्वम् आप उड़ जाओ, यू हार कर बैठो मत, यशो लभस्व। तो भगवान कह रहे हैं आपको सिर्फ अगर आप लड़ाई खेलेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट द क्रेडिट, सारा क्रेडिट आपको मिलेगा, अगर आप मेरे इस काल रूप को समझकर इसकी तरह कार्य करेंगे। तो काल रूप आपको मदद करने के लिए आया है। तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व, तो सारा यश आपको देने के लिए मैं आया हूं। हालांकि मैं इन सबको खत्म करके स्वयं को क्रेडिट ले सकता था, लेकिन आपको यश देने के लिए आया हूं। जित्वा शत्रुन भुक्ष्व राज्यम समृद्धम, एक गांडी उठाओ, लड़ाई करो, शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त करो और बाद में समृद्ध राज्य का उपभोग करो। मई एव एते निहता पूर्वमेव, पूर्व इतिहास में भूतकाल में ही मैंने स्वयं अभी इन लोग ऑलरेडी मार चुका हूं। मई एव एते मेरे से निहता, हत्या इनकी हो गई है पूर्वम एव पहले से ही, आई हैव ऑलरेडी किल्ड देम। निमित्त मात्रम भवसव्यसाचिम, आपको करना क्या है फिर, यू हैव टू जस्ट बिकम इंस्ट्रूमेंट ऑफ माय डिजायर। निमित्त मात्रम भवसव्यसाचिम, तो ये निमित्त बनने का जो कॉन्सेप्ट है, दिस इज अ यूनिक कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ भगवद्गीता। जैसे ऑपरेशन थिएटर में जब कोई डॉक्टर कैंसर का ऑपरेशन करता है और बड़ी बड़ी कैंसर को गांठ को निकालकर फेंकता है और पेशेंट की जान बचाता है, तो सारे लोग आकर, रिश्तेदार आकर बधाई या धन्यवाद किसका देते हैं, डॉक्टर का देते हैं। लेकिन डॉक्टर ने अपने हाथ से तो ट्यूमर को निकाला नहीं, डॉक्टर के हाथ में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स थे, बहुत सारे हथियार थे जो निमित्त बने उस ट्यूमर को निकालने के लिए। तो हालांकि इतना बड़ा काम किसने किया, प्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो वो सीजर, स्काल्पेल, फोर्सेप्स, इन सब ने ये काम किया, ये सारे जो उपकरण थे, ये उपकरण इतना बड़ा काम कैसे कर पाए, अपने आप में तो वो एक जगह से दूसरी जगह पर हिल भी नहीं सकते, लेकिन सही व्यक्ति के हाथ में जाने से उन उपकरणों के द्वारा अभी किसी व्यक्ति की जान बच पाई। तो कहने का मतलब है, भले हमें क्षमता है या नहीं है, हम अपने आप में कॉन्फिडेंट है या नहीं है, हम अपने आप में वो अच्छे गुण
यश की कुछ होप या आशा देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। अगर हम सही हाथों में हैं तो हम बड़े बड़े भी कार्य आसानी से कर लेंगे। हमें क्या बनना पड़ेगा? निमित्त मात्रम भव्य सव्यसाच। अगर हम निमित्त बनने के लिए तैयार हैं तो भगवान अपने द्वारा महान महान कार्य को भी पूरा कर सकते हैं। जैसे कुछ बता रहे थे, कभी कभी जब हमको सेवा दी जाती है तो कभी बहुत बड़ी सेवा मिलती है तो हम सोचते हैं, अरे प्रभु जी मेरा तो कैपेसिटी नहीं है, मेरा ये मेरे स्कोप के बाहर है, मैं नहीं कर सकता। लेकिन वो ट्यूमर को निकालना उस फोर्सेप्स को या उस स्कैल्पेल के कैपेसिटी के बाहर था, वो अपने आप पे कुछ नहीं कर सकती। लेकिन जस्ट बिकॉज शी हैज एग्रीड टू वर्क एज पर इंस्ट्रक्शंस ऑफ द सर्जन, अगर वो व्यक्ति भगवान की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को ढालने के लिए तैयार हो जाए तो भगवान फिर ऐसे शरणागत जीव से जो कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो जब हम निमित्त बन जाते हैं तो भगवान के द्वारा हमसे बड़े बड़े में कार्य भी हो सकते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट, तो मटेरियल सेंस में जब लोग टाइम मैनेजमेंट करने जाते हैं तो बहुत ही कड़वा होता है वो, उसमें कई सारे स्ट्रेटेजीज, बहुत उसमें टेंशन आता है। जब किसी को अगर कहेंगे अरे थोड़ा अपना टाइम मैनेजमेंट करो, तो टाइम मैनेजमेंट अपने आप में एक स्ट्रेसफुल टास्क लगता है बहुत, उसमें व्यक्ति को टेंशन आता है कि अभी क्या क्या करना पड़ेगा, कौन से कहाँ कहाँ से टाइम निकालना पड़ेगा, कौन से कार्य फास्ट करने पड़ेंगे, किसी को छोड़ना पड़ेगा, कार्य को डिवाइड करना पड़ेगा, टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, शेड्यूलिंग करना होगा, कोई कोई चीज़ आयुष मतलब जीवन से निकालनी पड़ेगी, किसी को प्राधान्यता देनी पड़ेगी, प्रायोरिटी डिसाइड करने पड़ेंगे। तो ये अपने आप में एक्सरसाइज टोटल बड़ा स्ट्रेसफुल है। लेकिन ये तो मटेरियल टाइम मैनेजमेंट है, लेकिन भगवान यहाँ पर दे रहे हैं कि ये जो भयानक समय है इससे अगर बचना है, इसका अगर उपयोग अपने जीवन में करके लेना है, तो देयर इज अनदर डायमेंशन फॉर टाइम मैनेजमेंट, दैट इज स्पिरिचुअल टाइम मैनेजमेंट। तो स्पिरिचुअल टाइम मैनेजमेंट क्या है? डोंट ट्राई टू मैनेज टाइम, बट बी रेडी टू बी मैनेज बाय द टाइम। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि समय को नियंत्रित करने का प्रयास न करें, क्योंकि समय कौन है? कृष्ण स्वयं है। कृष्ण स्वयं कह रहे कालोस्मि लोक क्षय कृत प्रबुद्धो, मैं स्वयं काल हूं। इफ वी आर ट्राइंग टू मैनेज एंड कंट्रोल, अगर हम नियंत्रण करना चाहिए किसका? कृष्ण का, तो हमारी क्षमता के परे। तो अगर हम अपने निजी लाभ के लिए, निजी योजनाओं के लिए अगर हम समय को तोड़ मरोड़ना चाहे उसको नियंत्रित करना चाहे, तो फिर ये कभी मुमकिन नहीं होगा। इसलिए बड़े बड़े टाइम मैनेजमेंट फेल हो जाते हैं। लेकिन स्पिरिचुअल टाइम मैनेजमेंट क्या है? कि ये जानिए कि ये समय जो है ये कृष्ण की शक्ति है, ये कृष्ण की इच्छा के अनुसार कार्य करता है। तो मेरी इच्छा है इतने समय में कैसी पूरी होगी ये जानने के बदले इस समय की क्या इच्छा है वो मैं जान लूं, कृष्ण की क्या इच्छा है मैं जान लूं, ये समय मुझे क्या सिखाना चाह रहा है, कृष्ण मुझे इस परिस्थिति से क्या सिखाना चाह रहे हैं, तो ये हमें देखना अपने जीवन में बहुत जरूरी है। हाउ डू आई कम आउट ऑफ द सिचुएशन, इससे ज्यादा वॉट शुड आई लर्न फ्रॉम द सिचुएशन, इसके ऊपर अगर हम ध्यान देंगे, इस समय कृष्ण मुझे क्या बताना चाह रहे हैं, वॉट मैसेज कृष्ण वॉन्ट्स टू कन्वे, ये हमें ये अगर हमारा मनोभाव होगा तब हम स्पिरिचुअल में टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे। एक बहुत ही छोटा सा उदाहरण दूंगा, मेरा अपने निजी जीवन में एक बहुत अच्छा अनुभव है कि हम जब छोटे थे, हम दोनों भाई और बहन, तो बहुत बार हमारी जो माता थी तो वो कभी कभी गुस्सा हो जाती थी, कह रहे आप लोग कुछ काम के नहीं हो, कुछ काम के नहीं मतलब सिर्फ काम बढ़ाते रहते हो, घर में सब चीजें एक जगह से निकालते हो दूसरी जगह रख देते हो, और दिन भर मुझे सिर्फ वो चीजें वापस अपनी जगह पर रखने में टाइम चला जाता है, कचरा करते हो उसको उठाते नहीं हो, उसको साफ नहीं करते तो दूसरे कोने में जाके बैठते हो वहां पर कचरा करते हो, जहां पर खेलते हो वहां पर सब कुछ तहस नहस करके रखते हो। तो अगर तुमको सच में कुछ करना है, अगर आप मुझसे प्रेम करते हो
तो आपको आज मैं सबक सिखाऊंगी, आपको अभी सारा घर साफ करना है। तो अभी कभी कभी ऐसा दंड के रूप में जब घर साफ करने के लिए बोलते थे तो बड़ा ही कंटल आता था। तो कैसे तो 10 मिनट 15 मिनट ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट तक करते थे, फिर बोलते थे बस हो गया अभी कितना अच्छा दिख रहा है, और करके हम शांत हो जाते थे। लेकिन मुझे याद है कि एक बार माता चली गई थी अपने दादाजी के घर पे, तो जब 10-15 दिन हो गए वो वापस ही नहीं आई। वहां पर कोई शादी का त्योहार था, हमारी एग्जाम चल रही थी, हम घर पर थे। तो जब एग्जाम खत्म हो गए उसके 2-3 दिन के पश्चात जब वापस अली मम्मी के लिए आप क्या सरप्राइज देंगे, हम सब लोगों ने सोचा क्या सरप्राइज देंगे। बोले हमेशा वो आती है तो चिल्लाती, क्या चिल्लाती है, 10 दिन में घर की क्या हालत करके रखी, सारी जगह चीजें यहाँ की वहां वहां की यहाँ करके रखी है, तो पहले तो आधा घंटा सुनना पड़ेगा। हमने सोचा कि वो क्यों सुने, हम नहीं सुनेंगे, उससे अच्छा उसको प्लीजेंट सरप्राइज देंगे। क्या सरप्राइज देंगे, सब कुछ चीज बराबर रखेंगे। तो शाम के समय लौट के आने वाले थे, हम स्कूल से आए 3-4 बजे घर पर लौट के, तो हमारे पास 1-1.5 घंटा ही था जब हम उसको घर को साफ करने के लिए, तब चालू हुआ टाइम मैनेजमेंट कि चलो कौन कौन क्या करेगा, किचन के बर्तन कौन धोएगा, बेडरूम कौन साफ करेगा, हॉल को झाड़ू पोछा कौन लगाएगा, और करके काम डिवाइड करके सब लोग घड़ी देखते देखते काम कर रहे हैं, तो समय खत्म होने के लिए आ रहे हैं, वैसे वैसे लोगों का स्पीड बढ़ रहा है काम करने का। लेकिन अब जो टाइम मैनेजमेंट चल रहा है, अभी जो कार्य में लगे हैं, फटाफट सब कुछ मेहनत कर रहे हैं, ये करने में कंटाला नहीं आ रहा है, बोरिंग नहीं लग रहा है, और साथ साथ उत्साह बढ़ते जा रहा है, और वो मेमोरेबल एक्सपीरियंस हो गया जो अभी तक याद है। क्यों ऐसा हो गया, क्योंकि अभी उसको दंड के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे हैं, ये जानकर कर रहे हैं कि उनकी इच्छा के लिए हम कर रहे हैं। अगर ऐसे कार्य करेंगे तो जिनसे हम प्रेम करते हो व्यक्ति प्रसन्न हो जाएंगे। एक बार जे जो हॉस्पिटल में जो हम रहते थे, तभी जन्माष्टमी के दिन थे, और धीरे धीरे हमारे जन्माष्टमी का प्रमाण बढ़ते बढ़ते गया, और पहले 100 लोग आते थे, फिर 150 लोग आने लगे, फिर धीरे धीरे 600-700 बच्चे लेक्चर में आने लगे, अभी 1000 आते उधर। तो उस समय फिर हमने सोचा कि बहुत बड़ा डेकोरेशन करेंगे। क्यों करेंगे डेकोरेशन, क्योंकि गौरव प्रभु को खुश करेंगे कि बच्चों ने कितना अच्छा डेकोरेशन किया। तो अभी वो डेकोरेशन करना था जन्माष्टमी का, लेकिन उसके 15-20 दिन पहले से तैयारी चालू हो गई। पैसा कहाँ से आएगा, तो हॉस्टल में फंड कलेक्शन करना पड़ेगा, पावती बुक छापा गया, तो दिन करके लोग मेहनत कर रहे थे, लेकिन पता ही नहीं चल रहा था कि दिन कब खत्म हो रहा है, रात कब चालू हुई, रात कब खत्म हो गई। सब लोग मेहनत कर रहे, लास्ट मिनट तक जन्माष्टमी के दिन गौरव को हॉल में एंट्री मार रहे, तब तक लोग आखिरी फूल को वहां पर डाल ही रहे, डेकोरेशन करते जा रहे, तो सब लोग पसीना पसीना लथपथ फुल टेंशन में, अरे नहीं नहीं जो प्लान किया वो होना चाहिए, तो इतना सारा एंग्जाइटी है। और जब तक प्रभु जी आए तब तक हमने जो प्लान किया था वो पूरा हुआ भी नहीं, इतने एक्सपीरियंस हम थे भी नहीं कि कैसे उसको पूरा किया। तो हालांकि समय के साथ जूझ रहे थे, पूरा कर भी नहीं पाए, लेकिन जब प्रभु जी ने देखा और कहा कि अरे वाह बहुत अच्छा मेहनत किया है, तो सारी मेहनत सफल हो गई, सब लोग खुश हो गए। क्यों खुश हो गए, हालांकि कितने सारे दिन मेहनत करनी पड़ी, इतना टाइम मैनेजमेंट करना पड़ा, पूरा भी नहीं हुआ, इनकम्प्लीट रहा, फिर भी पूरा एंडेवर कंप्लीट लगा, सारा प्रयास यशस्वी हो गया, इस तरह का अनुभव आया। क्यों, क्योंकि किसी की प्रसन्नता के लिए वो किया जा रहा था। वैसे भगवान कह रहे हैं मटेरियल डायमेंशन ऑफ टाइम मैनेजमेंट जो है, अगर हम अपने निजी लाभ के लिए जब करना चाहते हैं तो उसमें सिर्फ स्ट्रेस ही क्रिएट होता है, लेकिन हम इस समय को भगवान समझे और भगवान के हेतु, भगवान के प्रसन्नता के लिए अगर हम कार्य करें, तो भगवान की इच्छा क्या है, भगवान क्या चाहते हैं, कैसे उनकी योजना में मैं निमित्त बनूं, ये अगर अपना भाव है, देन टाइम मैनेजमेंट बिकम्स वेरी स्वीट, तो वो बहुत ही सुखमय अपना अनुभव हो जाएगा। कैसे हम भगवान के
ये कार्य कर। यहाँ पर भगवान वही कह रहे हैं, तस्मात तुम उत्तिष्ट यशो लभस, सब कुछ मैंने पहले से कर दिया है, अगर तुम मेरी योजना में भाग लेते हो, ये मेरी योजना है, उसका रिजल्ट भी मेरे हाथ में, सब आगे का क्रेडिट आपको मिलेगा, आप सिर्फ जाओ। जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं कि अपने निजी शिष्यों के जब प्रभुपाद बैठे थे, प्रभुपाद ने कहा, कृष्ण ने जब मुझे कहा कि तुम पृथ्वी पर जाओ और प्रचार करो सारे सृष्टि में, मैंने कहा नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, बहुत भयानक दुनिया है ये, यहाँ पर कौन जाएगा। लेकिन कृष्ण ने मुझे आश्वासन दिया, आप चिंता ना करो, मैं सब कुछ तैयारी करके रखूंगा, तुम सिर्फ जाओ और अपने आप ही सब कुछ हो जाएगा। प्रभुपाद जब जलदूत के ऊपर थे, जलदूत के ऊपर जब प्रभुपाद को हार्ट अटैक आया, तो प्रभुपाद लिखते हैं, तब सपने में मैंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण और उनके सारे अवतार मेरे उस जलदूत के जहाज को खींचे जा रहे हैं और मुझे आश्वासन दे रहे हैं कि चिंता न करो, तुम सिर्फ वहां पर पहुंचो, पहुंच जाओ, बाकी सब व्यवस्था हम करेंगे। तो जब हम भगवान के कार्य में, भगवान की योजना में जब अपनी योजनाओं को ढूंढते हैं, अपने रोल को ढूंढते हैं, तब हमें भगवान सारी सहायता करने के लिए तैयार है। तस्मात तुम उत्तिष्ठ यशो लभस, तो सिर्फ हमारे लिए एक ही काम बचता है कि जो भी हो रहा है उसका क्रेडिट लेते रहो। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने तो पहले ही अपनी योजना क्या बता दी, आमर आज्ञा गुरु हुई तारे ये देश, सब नगर आदि ग्राम में श्री हरिनाम का प्रचार होगा, वैष्णव बनेंगे लोग, तो आप तो महाप्रभु ने आज्ञा दी, आप जाओ और हर नगर और ग्राम में जाकर प्रचार कीजिए, तो भक्त बनेंगे, उन्होंने पहले से बोल दिया। तो अभी सिर्फ कौन उठकर प्रचार करता है उसको क्रेडिट मिलेगा। तो उस तरह से भगवान की योजना में, जैसे अर्जुन, अर्जुन तो पहले युद्ध छोड़कर भागने वाला था, लेकिन कृष्ण के कहने पर युद्ध करने लगा, और न जाने कितने सारे ऐसे योद्धाएं थे जिनके सामने अर्जुन प्राय हारने के लिए पहुंचा था, जैसे कि भीष्म देव, जयद्रथ का जब वध हुआ वो दिन, तो उस समय भगवान ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया कि कैसे मैं काल हूं, आई कैन मैनेज एवरीथिंग इफ यू आर रेडी टू सरेंडर एंड एक्ट अकॉर्डिंग टू माई विल, निमित्त मात्र भव्य सव्यसाचि। तो अगर हम भगवान की योजनाओं को अपने जीवन में ढूंढे, तो फिर अपने जीवन की सारी तकलीफें, सारी योजनाएं भगवान स्वयं कर देंगे। प्रभुपाद के तात्पर्य पढ़ेंगे, युद्ध भूमि मध्ये जो निपुणपणे बाण सोडू शकतो त्याला सव्यसाची असे म्हणतात। अर्जुनाला या ठिकाणी सव्यसाची म्हणून संबोधित आले आहे, कारण शत्रूंना मारण्याकरिता बाण सोडण्यामध्ये अत्यंत निपुण होतो। तू केवळ निमित्त मात्र हो, निमित्त मात्र हा शब्द ही अत्यंत महत्वपूर्ण आहे। संपूर्ण जगताचे संचालन भगवंतांच्या योजनेनुसार होत आहे। ज्ञानाचा अभाव असणाऱ्या मूर्खांना वाटते की प्रकृतीचे संचालन हे योजनेविनाच होत आहे आणि सारे सृष्ट पदार्थ हे आकस्मिकरित्या उद्भवले आहे। असे अनेक तथाकथित वैज्ञानिक आहेत जे सुचवितात की कदाचित सृष्टी ही अशी होती किंवा अशी असेल किंवा तशी होती, परंतु कदाचित असे असेल तसे असेल असा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे प्रश्न उद्भवण्याचे कारणच नाही। या प्राकृत जगतात सर्व काही विशिष्ट योजनेनुसार घडत आहे। ही योजना काय आहे की प्राकृत सृष्टी म्हणजे जीवांना स्वगृही भगवत धामात परत जाण्याची संधी आहे। सो व्हाट इज द प्लॅन ऑफ कृष्णा, ते पूरी दुनिया बनाने में भगवान की योजना क्या है, तो बेसिक योजना भगवान की क्या है कि कैसे ये सारे लोग भगवत धाम वापस जाए। इसलिए इस दुनिया में काल का प्रभाव, इस दुनिया में जो क्लेश, दुर्गा का होना, माया शक्ति का प्रभाव, ये सारे जन्म मृत्यु धरा, ये सब बनाने के पीछे योजना क्या है। योजना ये है कि व्यक्ति समझे क्या चल रहा है जीवन में। जैसे पालघर में एक व्यक्ति मुझे मिले थे 2-3 महीने पहले, लॉकडाउन के पहले, तो स्टेशन के पास ही मिले। बड़ी लंबी दाढ़ी थी, सफेद ऑफिसर थे बड़े, सूटकेस था हाथ में, ब्लैक गॉगल पहना था, और अचानक मुझे रोक लिया, बोले आर यू हरे कृष्णा। मैंने कहा हाँ हरे कृष्णा। आपका पालघर में मंदिर है क्या?
है, बोले कहाँ है, बोले देखिए यहाँ से दिखता है वही मंदिर, तो आइए कभी उधर। बोले हाँ हाँ मैं जरूर आऊंगा, मैं स्वयं एक कंपनी चलाता हूँ यहाँ पर पास में ही, और मैं स्वयं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, और बहुत सारे एंटरप्राइजेस को कैसे फाइनेंशियल ग्रोथ करना चाहिए उसके बारे में ऑनलाइन कोर्सेज देता हूँ। तो बाद में मैंने उनके बारे में सर्च किया, जब उनका कार्ड मिला तो उनका नाम था एक्का पिलाई, तो एक्का फ्रॉम इंडिया करके उनके बहुत सारे इंटरनेशनल वो कॉन्फ्रेंसेस लेते हैं, और जिसमें वो लोगों को सिखाते हैं कि कैसे बिजनेस बढ़ना चाहिए। तो अभी उन्होंने रिसेंटली मुझे व्हाट्सएप भेजा था कि अभी इस लॉकडाउन में भी कैसे अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, लॉकडाउन जब खुलेगा तब तो अपने बिजनेस को कैसे हम हैंडल करना चाहिए, तो इस तरह के वो सारे कंपनियों को कंसल्टेशन गाइडेंस देते। लेकिन लॉकडाउन जो और 15-20 दिन चला, तो उसके पश्चात उन्होंने उनके खुद की आवाज में एक वॉइस क्लिप मुझे भेजा, और उसमें वो कह रहे थे कि जिस तरह ये सृष्टि अभी चल रही है, जैसे पहले चल रही थी उससे कई गुना अच्छे से चल रही है, हम सोच रहे थे कि हम अपनी योजना से चलाएंगे, हम सोच रहे थे कि हम कुछ इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे, हम सोच रहे थे कि हम सबसे बुद्धिमान जीव है, हम इस दुनिया में कुछ नया चीज लेकर आएंगे जिससे दुनिया और अच्छे से चलेगी। लेकिन जब ये सारे बुद्धिमान लोग बंद किए गए अपने अपने घर में, तब सृष्टि अभी अच्छे से चलने लगी। तो उसने कहा इसलिए इस लॉकडाउन से, इस काल के प्रभाव से मैं तीन चीज सीखा हूं। वो कहते हैं तीन चीज अभी मुझे करना चाहिए, वो क्या है, पहला इंट्रोस्पेक्शन, दूसरा इंट्रोस्पेक्शन, और तीसरा इंट्रोस्पेक्शन। तो इंट्रोस्पेक्शन मतलब अपने हृदय में झांक कर देखिए कि एक्चुअली हम ये दुनिया में क्या करने के लिए आए हैं। तो वो कहता है कि अब भी मैं पूछ रहा हूं मेरा रोल क्या है, फिर अगर को इस सृष्टि को, क्योंकि मैं निकल जाता हूं तो अच्छे से चलती, तो फिर मेरा जन्म भी क्यों हुआ, ये ह्यूमन स्पेसिस है ही किस लिए, ये मनुष्य क्या करने का प्रयास कर रहा है इधर, व्हाट इज सपोज टू डू, व्हाट इज इज एक्चुअल ड्यूटी, इसका सही में रोल क्या था, अब तक जो कर रहा था वो तो उसका रोल था ही नहीं, है समझ में आ रहा है, क्योंकि जो भी कर रहा था उसने उसे बंद कर दिया, तब जाकर बाकी सब जीव और पूरी सृष्टि हंस रही है, सिर्फ मानव को तकलीफ है। तो कह रहा है कि अभी मुझे प्रश्न आता है एग्जैक्टली जीवन में करना क्या है। तो ये जब लोग गीता को पढ़ के समझते नहीं, तब तो काल उनको सीख देते हैं, क्या सीख देते हैं कि प्रश्न पूछने पे किसी नास्तिक को भी मजबूर कर देता है कि एग्जैक्टली मुझे करना क्या था, मैं क्या करने के लिए आया था, या मैं क्या करने का प्रयास कर। प्रभुपाद यहाँ पर लिख रहे हैं ये पूरी सृष्टि का पर्पज क्या है, तो ये समझने में लोगों को जिंदगी चली जाती है। तो इसलिए प्रभुपाद की जो तात्पर्य है वो बहुत ही सरल भाषा में हमें ये छोटे छोटे सूत्र जो हमारे जीवन की बड़ी बड़ी समस्याओं को समझा सकते हैं, वो प्रभुपाद दे रहे हैं यहाँ पर। यह पूरी प्राकृतिक सृष्टि क्यों बनाई गई है, जिससे कि सारे जीव जो भगवान से बिछड़ गए हैं पुनः अपने स्वगृह यानी भगवत धाम फिर लौट जाए, तो इसलिए सृष्टि बनाई गई। तो इस सृष्टि में जो भी हो रहा है वो लोगों को पुनः भगवत धाम की तरफ मुंह मोड़ने के लिए मजबूर कर देगा। तो इसलिए प्रचारक, जैसे कभी कभी लोग पूछते प्रचार क्यों करना चाहिए, ये सृष्टि बनाई ही उसके लिए, इस सृष्टि भी बिना बोले यही प्रचार कर रही है कि आ अब लौट चले, अब यहां से हम फिर भगवत धाम चले जाते, ये दिस इज नॉट अ गुड प्लेस फॉर अ जेंटलमैन टू लिव, अनित्यम असुखम लोकम इमम प्राप्य भजस्व माम। जब इस सृष्टि के अनित्य और अशाश्वत रूप को देखते हैं, दुखमय रूप को देखते हैं, व्यक्ति समझ जाता है कि यहाँ पर घर नहीं बना, यहाँ से निकलकर भगवत धाम जाने की तैयारी जो है उसे प्राधान्यता देनी। रूपद लिखते हैं आगे, जोपर्यंत त्यांच्या मध्ये अधिकार गाजवण्याची प्रवृत्ती आहे तोपर्यंत ते भक्ती प्रकृतीला अधिकार गाजवण्याचा प्रयत्न करतात, आणि यामुळेच ते बद्ध झालेले आहे। तो अपने आप को स्वतंत्र बोलने का इच्छा है लोग, जैसे मुझे कोई व्यक्ति बोल रहा था
कि कुछ लोग सोच रहे थे कि अमेरिका के जो प्रधानमंत्री है वो कितने बुद्धू है, कितने मूर्ख है, उनको इतना भी नहीं पता चला कि जल्दी लॉकडाउन करना चाहिए। लेकिन पूरे भारत में आज के डेट में करीबन 25,000 मरीज है कोरोना के, लेकिन अमेरिका के जो मुख्य शहर है न्यूयॉर्क, वहां पर 15,000 लोग ऑलरेडी मर चुके हैं। मतलब सोच लीजिए, अपना एक छोटा सा शहर पालघर डिस्ट्रिक्ट, उतना भी उसका एरिया होगा नहीं, और उतने में 15,000 लोग की ऑलरेडी मृत्यु हो गई। उसके पश्चात जब उन्होंने लॉकडाउन किया तो ऐसे लगा कि कितना मूर्ख प्रधानमंत्री है। जिन्होंने उसको वोट किए हैं वो भी उनके जैसे ही हैं। अभी लोग वहां के रास्ते पे उतर आए हैं, वो स्ट्राइक कर रहे हैं। उनका नारा क्या है? माय बॉडी माय चॉइस, मुझे जीना है कि मरना है मैं डिसाइड करूंगा, आप मुझे घर में रोकने वाले कौन होते हो? मेरी स्वतंत्रता के ऊपर रोक क्यों दी जा रही है? जैसा चाहे वैसे मैं जीना चाहता हूं, जब चाहे तो मरना चाहता हूं, तो मेरे शरीर के ऊपर मेरा अधिकार है, मैं सोचूंगा कब जीना चाहिए कब मरना चाहिए। तो आप ये जबरदस्ती उन्हें बचाने की कोशिश मत कीजिए। देखिए, जो स्वतंत्रता की इच्छा इतनी बढ़ जाती है कि मैं अपना ही अधिकार जमाना चाहता हूं, माय राइट फॉर फ्रीडम, तो होता क्या है, व्यक्ति अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार लेता है। वही प्रभुपद यहाँ पर लिखा, जितना हम इस प्रकृति के ऊपर अधिकार जमाने का प्रयास करेंगे उतने ही बंधे जाएंगे। तो ये गेम ही उल्टा है, जितना हम छूटने का प्रयास करेंगे उतने बंधे जाएंगे। लेकिन प्रभुपद कहते हैं, तथापि जो भगवंतांची योजना जाणतो आणि कृष्ण भावनेची जोपासना करतो तो बुद्धिमान होय। भौतिक सृष्टीची उत्पत्ती आणि प्रलयकारी क्रिया परमेश्वराच्या मार्गदर्शनाखाली होतात, म्हणून कुरुक्षेत्राचे युद्ध हे परमेश्वराच्याच योजनेनुसार लढले गेले। अर्जुन युद्ध करण्याचे नकारित होता, परंतु भगवंतांच्या इच्छेनुसार त्याला युद्ध करण्यास सांगण्यात आले, तेव्हाच तो सुखी होऊ शकतो। जर मनुष्य पूर्णपणे कृष्ण भावना भावित असेल आणि त्याचे जीवन भगवंतांच्या दिव्य सेवेमध्ये असेल तर तो परिपूर्ण पुरुष होय। व्यक्ति अपने आप में संपूर्ण कंप्लीट कब बन जाएगा? जब वो भगवान की योजना में अपना रोल ढूंढ ले। प्रभुपाद बता रहे भगवान की योजना क्या है, क्या भगवत धाम चले, तो भले हम दूसरों को भगवत धाम लेके जा पाए या न जा पाए, उसमें सहायता करें या ना करें, कम से कम अपने आप को तो भगवत धाम की तरफ खींच ही सकते। कम से कम हम भी अगर भगवत धाम जाने के लिए जो भी जरूरी है उन क्रियाओं को अपने जीवन में स्वीकार करेंगे तो कम से कम भगवान का उतना लोड कम कर देंगे, वैष्णव का उतना लोड कम कर देंगे, प्रभुपाद की उतनी चिंता दूर कर देंगे, श्री चैतन्य महाप्रभु की उतनी आतुरता को कम करेंगे। चलो कम से कम एक जीव तो निकला भगवत धाम की तरफ। तो ये भगवान की योजना जानकर निमित्त मात्र बनकर रहेंगे तो सारा क्रेडिट मिलेगा। आगे के श्लोक में जाएंगे 34। द्रोणम च भीष्म च जयद्रथम च कर्णम तथान्यान अपि योद्धवीरान मया हतम जहिमा व्यथिष्ठा युद्धस्व जेता सिरणे सपत्नान। द्रोण भीष्म कर्ण आणि इतर महान योद्ध्यांना मी पूर्वीच मारलेले आहे, म्हणून तू त्यांचा वध कर आणि व्यथित होऊ नको, केवळ युद्ध कर, यामुळे युद्धामध्ये तू शत्रूवर विजय प्राप्त करशील। तो जब भगवान की योजना में हम सहभागी हो जाते हैं तो सारे जो भी बाधाएं आएंगी वो सब बाधाओं को निकालने के लिए भगवान तत्पर रहते हैं और विजय की हमें शाश्वती देते हैं। विजय के बारे में हमें सोचने की आवश्यकता नहीं, विजय जरूर होगी अगर योजना भगवान की। जे भक्त भगवंतांच्या इच्छेनुसार त्यांच्या योजना कार्यान्वित करतात त्या भक्तांनाच भगवंत सारे श्रेय देतात। तो कुरुक्षेत्र के युद्ध पर मैन ऑफ द मैच किसको मिलेगा? कौन सा वीर जिसने सबसे ज्यादा लोगों को मारा? तो उसका नाम अर्जुन ही होगा हमेशा हमेशा के। तो क्यों अर्जुन का इतना नाम हुआ? क्योंकि अर्जुन ने भगवान की योजना में सहयोग दिखाया। तो दिस इज अ कोऑपरेशन विद द प्लान्स ऑफ कृष्णा। तो जब हमारे पास वो
कोऑपरेट करने की, सहयोग करने की मानसिकता है, तब हम कृष्ण की योजना में सहायता कर सकते हैं और फिर भगवान सारा क्रेडिट हमको देने के लिए तैयार। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृतांजलिर्वेपमान किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीत भीत प्रणम्य। संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र को, हे राजा, भगवान से ऐसे वचन सुनकर अर्जुन कांपने लगा, दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगा। बहुत ही भयभीत अवस्था में अर्जुन का कंठ गदगदित हो गया और बहुत ही नम्र स्वभाव में, स्वर में उसने श्री कृष्ण को इस तरह कहा। तो अभी अर्जुन के भगवान के साथ में संबंध है, जैसे हमने देखा पहले तो साख्य में था, अभी अद्भुत रस में आया है, लेकिन अभी स्तुति तो कर दी, लेकिन अभी क्षमा याचना करना उसको लग रहा है कि अरे बाप रे, ये तो जिसको मैं समझ रहा था कृष्ण केशव कान्हा मेरा मित्र या मेरा भाई, मेरे बुआ का बेटा, ये तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। हालांकि इसको पूर्ण पुरुष भगवान को भी समझ गया था, लेकिन अभी जब उस स्वर्गीय दृष्टि से देख रहे हैं तो भगवान का जो ऐश्वर्य, और खास करके अभी जब एक काल रूप का अर्जुन देखता है, तो उस काल रूप को देखकर उसको भय उत्पन्न होता है। अभी तक तो मैंने इनको अपना दोस्त ही समझा था और दोस्त समझकर सारे कार्य किए थे, कभी इनका मजाक भी उड़ाया, इनके साथ कभी खाया, साथ सोया, साथ घूमे, कभी उनको ज्यादा सम्मान से बुलाया भी नहीं, तो क्या मुझे इन सबका अपराध लगेगा? ये सोचकर अभी अर्जुन कुछ प्रार्थना करना। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत प्रवृष्यति अनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगः। अर्जुन म्हणाला, हे ऋषिकेश, तुमच्या नाम श्रवणाने संपूर्ण जगत हर्ष उल्लासित होते आणि सर्व लोक तुमच्यावर अनुरक्त होतात। सिद्ध पुरुष जरी तुम्हाला नमस्कार करीत असले तरी राक्षस भयभीत होऊन इतस्त पळत आहेत, हे सर्व योग्यच घडत आहे। आप जो कर रहे सही कर रहे, आपका ये भयानक रूप राक्षसों को भय दे रहा है, लेकिन जो सुरगण है, देवता गण है, जो आपकी योजना के अनुसार कार्य कर रहे हैं, वो भयभीत नहीं हो रहे, उन्हें आनंद हो रहा है। जैसे हिरण्यकश्यपु के सामने जब नरसिंहदेव प्रकट हुए तो हिरण्यकश्यपु डर गया, भयभीत हो गया, उसके सारे असुरगण मित्रगण वो भी भयभीत हो गए, लेकिन प्रहलाद डरे नहीं। तो हिरण्यकश्यपु को मारने के बाद जब नरसिंहदेव ने पूछा, क्या प्रहलाद तुमको डरने लगा? तुम तो 5 साल के छोटे से बालक हो, तो डर क्यों लगेगा? अगर पिताजी ही मास्क पहन के ढोंग रचा के सामने खड़े हैं, मैं तो जानता हूं इस विकराल रूप के पीछे मेरे प्रिय पिताश्री है, तो डर क्यों लगेगा? तो वैसे इस काल रूप को देखकर जो भगवान की योजना में अपनी योजना ढूंढ रहे थे, उनको कहते हैं देवता, वो संतुष्ट थे, उल्लासित थे, लेकिन जो राक्षस थे जिनकी योजना भगवान की विपरीत थी, वो भयभीत हो गए, क्योंकि उनको स्पष्ट रूप से दिख रहा था कि अपनी तो सारी योजनाएं मिट्टी में मिलने वाली। कस्माच्चतेन नमेरन महात्मन गरीयसे ब्रह्मणो अप्यधिकत्रे अनंत देवेश जगन्निवास तमक्षरम सत असत्तत्परम यत। हे महात्मन, ब्रह्मदेवांपेक्षा श्रेष्ठ असे आदि सृष्टी करते दुनिया आहात, तर मग त्यांनी तुम्हाला का बरे आदरपूर्वक नमस्कार करू नये? हे अनंत, हे देवादिदेव, हे जगन्निवास, या भौतिक सृष्टीच्या पलीकडे असणारे तुम्ही परम अविनाशी सर्व कारणांचे कारण आहात। अर्जुन देख रहे की ब्रह्माजी भी स्वयं भगवान को नमन कर रहे हैं, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, कह रहे क्यों नहीं करेंगे भाई, ये तो सबके ही आश्रय स्थान है, संपूर्ण सृष्टि के देवेश यानी सारे देवताओं के नियंत्रक हैं, इसलिए कोई भी सिद्ध पुरुष हो, शक्तिशाली देवता हो,
उन सभी को श्री कृष्ण को प्रणाम करना योग्य ही है। फिर वो आगे कहते हैं, तम आदिदेव पुरुष पुराण तमस्य विश्वस्य परम निधानम। तो पहले भी अर्जुन कहे थे इस वाक्य को, तमस्य विश्वस्य परम निधान, वापस कह रहे हैं, वेत्तासि वेदम च परम च धाम त्वया ततम विश्वम अनंत रूप। तुम्हें आदि पुरुष भगवान पुरातन या व्यक्त प्राकृतिक जगताचे एकमात्र आश्रयस्थान आहात, तुम्ही सर्वत्र आहात आणि जे जे श्रेय आहे ते सर्व तुम्हीच आहात, तुम्ही त्रिगुणातीत असे परम आश्रयस्थान आहात, हे अनंत रूपा तुम्हीच संपूर्ण भौतिक सृष्टी व्यापली आहे। वायु यमो अग्नि वरुण शशांक प्रजापतिस्तम प्रपितामहश्च नमो नमस्ते सुसहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोपि नमो। तुम्ही वायु आहात, परम नियंता अग्नि जल आणि चंद्र देखील तुम्ही आहात, तुम्ही आदिजीव ब्रह्म देव तसेच प्रपितामह तुम्ही आहात, म्हणून माझा तुम्हाला सहस्र नमस्कार असतो, पुन्हा पुन्हा मी तुम्हाला नमस्कार करतो। तभी अर्जुन प्रणाम करणं आरंभ करता है श्लोक, नम पुरस्तादथ पृष्ठ तस्ते नमोस्तुते सर्वत्र एव सर्वम अनंत वीर्याम इत्रमस्त्वम सर्वम समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। तादृश सामने से नमस्कार, आपको पीछे से भी दंडवत प्रणाम, आपको सब बाजुओं से दंडवत प्रणाम, ये अनंत वीर्य आपकी शक्ति अपरंपार है, आप सर्वव्यापी है, इसलिए सब कुछ आप ही है। तभी उस अनंत रूप को देखकर अभी अर्जुन को समझता है कि दंडवत किससे मना, लेकिन जैसे लोग नए लोग आते हैं इसकॉन मंदिर में तो जब भक्तों को देखते उल्टा पुल्टा दंडवत मारते हुए हैं, पूछते हैं भाई ऐसा क्यों, तो भक्त को भी बताते हैं यहाँ पर प्रभुपाद इसलिए प्रेयर नहीं कर सकते, यहाँ पर उनसे महाराण इसलिए प्रेयर नहीं कर सकते, ये वैष्णव इसलिए प्रेयर नहीं कर सकते। तभी सोचिए विश्वरूप के सामने कैसे दंडवत मारेंगे, विश्वरूप से हमारे सिर्फ सामने नहीं हमारे पीछे भी, हमारे बाएं और हमारे दाहिने भी, पूरा 360 डिग्री पैनोरमा व्यू, सब तरफ भगवान का दंडवत कैसे मारेंगे। तो अर्जुन सामने से पीछे से बाजू सब तरफ उल्टे उल्टे सब दंडवत मार रहे, उसको समझ में आ रहा है मैंने कितना बड़ा अपराध किया है इस कृष्ण का, ये तो इतने शक्तिशाली इनका विश्व देखकर मैं तो भयभीत हो गया हूँ। तब अर्जुन कहते हैं अपने मन की बात, सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदम मया प्रमादा प्रणयेन वापि। अजानता महिमानं तवेदम, आपकी महिमा न जानते हुए मैंने आपको क्या क्या नहीं कहा, आपको मेरा मित्र मानकर प्रसभम ये दुक्तम, कभी कभी मैंने आपको अनादर से ये मजाक मजाक में आपके सामने भी आपको पुकारा, हे कृष्ण हे यादव हे सखी, इस तरह से आपको एक वचनी उद्गार में आपको मैं संबोधित करता था, मया प्रमादा मेरा पागलपन था, मेरा अहंकार था, मेरी भूल थी, मैं मूर्ख था, मया प्रमादा प्रणयेन वापि, लेकिन प्रेम से मैंने ऐसे आपको करा, यच्चावहासा तमसत्कृतोऽसि विहार शय्या आसन भोजनेषु एको तवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वाम् अहम् प्रमेयम्। तो कहते हैं अर्जुन कि यच्चावहासा तमसत्कृतोऽसि, जो भी मैंने आपका अपमान किया है, जो भी मजाक मजाक आपके साथ मैंने दुर्व्यवहार किया है, आपके साथ घूमते हुए, आपके साथ एक ही शरीर में सोते हुए, आपके साथ बैठते हुए, आपके साथ एकत्र भोजन करते हुए, उन सब भी अपराधों की क्षमा कर दीजिए, उन्हें आप माफ कर दीजिए, अहम प्रमेयम, क्योंकि आप बहुत ही दयालु है, सारे अपराधों की आप क्षमा कर दीजिए। तो कोई कहेगा अरे ऐसे कैसे क्षमा कर सकते हैं, विश्वरूप को आप हे सखा हे कृष्ण हे यादव इस तरह पुकारते हैं, आपको तो ये माफी नहीं होगा। तो अर्जुन अगले श्लोक में कहता है अरे कर दो माफ,
क्योंकि पितासि लोकस्य चराचरस्य तमस्य पूज्यस्य गुरुवरीयं न त्वत्समो अस्य अभ्यधिकस्तुतोऽन्यो लोकत्रयेऽपि अप्रतिम प्रभाव। पितासि लोकस्य चराचरस्य, आप तो पिताश्री है ना, सारे जगत के पिता है। कोई भी पिता अपने बच्चे का अपराध माफ कर देता है, बच्चे को समझ में नहीं आता तो नादान है, लेकिन आप तो महान है, आप मुझे माफ कर सकते हैं। अर्जुन कहते हैं तुम यह संपूर्ण चराचर सृष्टि पिता आहत, तिचे परम पूज्य आध्यात्मिक गुरु तुम्ही आहात, तुमच्या बरोबरीचा कोणीही नाही। न त्वत समो अस्ति, न त्वत सम आपके समान कोई नहीं है, अभ्यधिक आपसे अधिक भी कोई नहीं, उतोन्य तुमच्या बरोबरीचा कोणी नाही, तसे तुमच्याशी कोणी एकरूपही होऊ शकत। तर मग हे अतुलनीय शक्तिशाली भगवंता त्रैलोक्यामध्ये तुमच्यापेक्षा अधिक श्रेष्ठ कोण असू शकतो? इस तरह पुनः अर्जुन भगवान की स्तुति करता है। श्रील प्रभुपाद अलग अलग ग्रंथों से उपनिषदों से बताते हैं कैसे श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और किस तरह उनके बारे में तो जानने से जन्म कर्म में दिव्य एवं योग की तत्वता, उनके स्वरूप को, उनकी कार्यकलाप को अगर कोई तत्वता जानेगा तो भगवत धाम जाने के लिए पात्र हो सकता है। लिखते हैं एकले ईश्वर कृष्ण आर सब, ईश्वर एक ही है, सबका मालिक एक, मगर कौन? कृष्ण। एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, बाकी जो भी दिख रहे हैं वो सब उनके भृत्य यानी सेवक या दास है। इसलिए अर्जुन यहाँ पर प्रणाम कर रहा है और अपने अपराधों की क्षमा मांगता है। हमने देखा कैसे अर्जुन का भी जो सखा भाव है वो पूरी तरह से भूल गया है, उसके उस प्रेम के ऊपर उसका भी ऐश्वर्य का ज्ञान ज्यादा शक्तिशाली हो गया है, और इसलिए अभी वो सखा की तरह भगवान के साथ आदान प्रदान नहीं कर पा रहे हैं। तो भगवान के साथ अभी बहुत ही अद्भुत रस में आदान प्रदान कर रहे हैं। लेकिन वृंदावन के जो गोप है, वृंदावन की जो गोपियां हैं, यशोदा है, नंद महाराज है, वो लोग कभी इस तरह से सोचते नहीं। हालांकि उनको भी कभी कभी भगवान अलग अलग प्रकार के दृश्य दिखाते हैं, कभी कभी अलग अलग उनको साक्षात्कार देते हैं। जैसे एक बार नंद महाराज द्वादशी के दिन स्नान करने के लिए यमुना में गए, और उस समय द्वादशी का गंगा का यमुना का स्नान का जो समय था वो कुछ अलग था, रेगुलर समय नहीं था। जैसे कभी कभी होता है द्वादशी का पारायण टाइम नॉर्मली तो 7:30 से 10:30 तक रहता है, लेकिन उस दिन कुछ बहुत जल्दी था तो नंद महाराज थोड़े जल्दी चले गए स्नान करने के, तो उनके हिसाब से तो वो समय पर थे। लेकिन वरुण देव जो सारे जलचरों के देवता हैं, उनके एक असिस्टेंट बिना जाने पहचाने बिना समझे समय के नियम को नंद महाराज को पकड़ लिए अपराध के बलबूते पर, गलत समय पर नहा रहे आप, और फिर उनको पकड़कर वरुण के पास लेके गए। वरुण देव ने जब देखा अरे किसको पकड़ कर लेके आए, जो परम पुरुष है उनके जो पिता है उनको लेके आए, मतलब जो मेरे बाप है उनके भी बाप को पकड़ के लेके आए, ये तो बड़ा ही तुमने नगण्य अपराध किया है। तो उनको तुरंत वहां पर उन्होंने भला बुरा कहा, नंद महाराज को तुरंत अपने सिंहासन पर बिठाया, उनकी स्तुति की, उनकी पूजा अर्चना की। तब तक यहाँ पर जब तीर पर हाहाकार हो गया तो कृष्ण समझ गए कि क्या हुआ है, और तुरंत उन्होंने छलांग लगाई और वो वरुण के महल तक पहुंच गए पानी के भीतर। जब नंद महाराज ने देखा जब कृष्ण यहाँ पर आए तो मेरे उस गोपाल को देखकर वरुण देव ने तुरंत दंडवत प्रणाम किया, उनको उनकी स्तुति की, उनकी पूजा अर्चना की, उनको स्तवन सुनाए, और फिर बहुत ही आदर सत्कार के साथ मुझे गोपाल के पास रिहाई कर दी। ये सब देखकर नंद महाराज बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए। जब कृष्ण उनको बाहर लेकर आए तो अखरोट घाट के पास बैठकर नंद महाराज ये सारी कहानी अपने मित्रों को सुनाने लगे। जो मित्रों ने सुना कि ये गोपाल इतना महान है, वैकुंठ का स्वामी है, और वरुण भी उनकी पूजा अर्चना करता है, तब फिर
सारे लोगों को लगा कि अगर ये इतने महान है तो क्या हमें कि कौन है ये कृष्ण। जब जब कृष्ण ऐसे कुछ अद्भुत कार्य करते थे वो लोग सोचने लगते कि ये बच्चा है कौन। तब उनको याद आता था गर्गाचार्य जब कृष्ण का जन्म हुआ था तब आए थे मिलने के लिए, तो गर्गाचार्य ने कहा था तस्माद नंद आत्मजोयम ये नारायण समोगुण ही श्रिया कीर्त्य अनुभावेन गोपायस्व समाहित। दशम स्कंद में श्लोक आता है जिसमें गर्गाचार्य कहते हैं तस्मात नंद आत्मजोयम देखता है तो उसका इस सखा का जो भाव है वो कम होता है, तभी वो भगवान की माफी मांगने लगा है, उनको प्रणाम करने लगा है, अपने अपराधों की क्षमा मांगता है। लेकिन ब्रजवासियों के साथ ऐसे होता नहीं, वो भले ही कृष्ण का ऐश्वर्य देखे लेकिन वो ऐश्वर्य से ज्यादा उनके हृदय में भगवान का जो प्रेम है वो हमेशा ही ज्यादा ही उमड़ कर आता है और वो फिर कृष्ण को अपना एक सखा ही मानते हैं। तो अर्जुन आगे कहते हैं तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम् प्रसादये त्वाम् अहमीशमिड्यम् पीतेवे पुत्रस्य सखेव सख्यो प्रिय प्रिययार् असि देव सोडुम्। 44वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं सभी के आराध्य परमेश्वर आप ही है, मैं आपको साष्टांग दंडवत करके आपका प्रणिपात आपकी शरण ग्रहण करता हूँ और आपसे कृपा याचना करता हूँ। जिस प्रकार पिता अपने उर्मट पुत्र के सारे अपराध माफ कर देता है, उसकी गलतियों को सहन करता है, एक मित्र अपने दूसरे मित्र की बातों को सहन करता है, जिस तरह पत्नी अपने पति का स्वभाव को सहन करती है, उसी प्रकार कृपया आप मेरे अपराधों को क्षमा कर दीजिए। प्रसाद त्वाम अहम ईशम इंडियम, मुझे माफ कर दीजिए। तीन उदाहरण थे अर्जुन यहाँ पर, पहला पिता एवं पुत्रस्य, जिस तरह पिता पुत्र के अपराध क्षमा देता है, क्षमा कर देते हैं, तो शायद पुत्र लोग सुनकर खुश हो जाएंगे, पिता का काम ही है माफ करना। दूसरा कहते हैं सखे व सख्यु, एक सखा एक मित्र दूसरे मित्र के अपराध माफ कर देता है, सीरियसली नहीं लेता। प्रिय प्रियया और हसि देव सोड़ो, और एक प्रिय कर अपने प्रियतम के अपराधों को माफ कर देते हैं। तो जहां जहां रिलेशनशिप है वहां वहां पर अपराधों की क्षमा तो करनी पड़ेगी। अगर हम छोटी छोटी बातों को सीरियस लेकर जीवन में जिए तो शायद हम अकेले रह जाएंगे, हम किसी के साथ संबंध नहीं स्थापित कर पाएंगे। ये गलतियां तो सब में है, सब में अगर हम गलतियां ढूंढने लगे तो राधानाथ सिंह महाराज कहते हैं इफ यू आर सीइंग फॉल्ट्स इन समवन व्हाट इज अ ग्रेट थिंग इन दैट, बिकॉज टू सी फॉल्ट्स एनीवन कैन डू इट। अगर आप किसी में कुछ गलतियां देखते हैं तो कुछ बड़ा काम नहीं किया, क्योंकि गलतियां देखना तो कोई भी कर सकता है, लेकिन आप किसी के अंदर अच्छे गुण देख पा रहे हैं तो आपने कुछ महान कार्य किया है। तो अर्जुन कह रहे हैं उसी तरह मैं भी आपका मित्र हूँ, आप मेरे परम पिता हैं, मैं आपका प्रिय मित्र हूँ, तो कृपया मेरे सारे अपराध क्षमा कर दीजिए। फिर अर्जुन कहता है अदृष्ट पूर्वम ऋषितोस्मि दृष्ट्वा भये न च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देव रूपम प्रसिद्ध देवेश जगन्निवास। अर्जुन कहता है बस करो, अभी ये भयानक रूप जो इतने सारे लोगों को चबा रहा है, कुचल रहा है, चूर चूर कर रहा है, ये मृत्यु ये काल का रूप अभी बंद करो, ये चैनल चेंज करो, अभी ये मुझे आनंद नहीं दे रहा है, मेरा मन व्याकुल हो रहा है इस विश्व रूप को देखकर। थोड़े समय के लिए मैं आनंदित हुआ इस रूप को देखकर, मगर अभी व्याकुल हो रहा हूं। हे देवादिदेव, हे जगन निवास, कृपा करें आपका पुरुषोत्तम भगवान का जो रूप है उस रूप को प्रकट कीजिए। यहां से आगे भी अर्जुन भगवान को विनती करेंगे कि ये विश्व रूप मैंने देखा लेकिन उसमें आनंद नहीं आया। तो अर्जुन का आनंद क्यों नहीं आया, अभी हमको अगर पूछेंगे कि आपको कौन सा रूप देखने, तो शायद हम विश्व रूप देखना पसंद करेंगे क्योंकि इतना, क्योंकि 2D मूवी देखने में किसको आनंद आता है, लेकिन मूवी 3D करके देखना है तो फिर मजा आएगा। तो वैसे ही भगवान 3D में दिख रहे अल्टर में, लेकिन अगर और डायमेंशन बढ़ जाएंगे, मल्टी डायमेंशन, आगे पीछे लेफ्ट राइट, जैसे कुछ दिन पहले एक व्यक्ति ने मुझे
HD ऑडियो भेजा था, 8 डायमेंशनल ऑडियो क्लिप, बोले आपको ये ईयरफोन से ही सुनना पड़ेगा। तुम्हें से तो ये क्या होगा नया, तो बोले जापान का टेक्नोलॉजी है। जब सुना तो पता चला कि भले अपने दो कानों में ईयरफोन लगाते हैं, लेकिन संपूर्ण रूम के कोने कोने से आवाज आती है, ऊपर से नीचे से दाएं बाजू, और वो आवाज भी घूमते रहती है। कहा रे वाह, ये तो सुपर टेक्नोलॉजी है। पहले हम 2 डायमेंशन में सुनते थे, लेफ्ट राइट, लेफ्ट का स्पीकर बड़ा, राइट का स्पीकर कम करो, लेकिन अब ये 8 डायमेंशनल हो गए, 8 दिशाओं में बज रहे हैं। तो किसी को भी आनंद आता है मल्टी डायमेंशनल देखने के लिए। तो लेकिन अर्जुन ने यहाँ पर मल्टी डायमेंशनल मूवी देखा, इस विश्व को देखा, मगर फिर भी वो संतुष्ट नहीं हुआ। वैसे जीवन में कभी कभी हम अच्छी अच्छी चीजें प्राप्त करते हैं, लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं होते। हमें अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिलती है। अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की गई जिससे कि वो देख पाए, लेकिन फिर भी वो संतुष्ट हुआ नहीं। क्यों संतुष्ट नहीं हुआ? बहुत महत्वपूर्ण इसका कारण है, उसके बारे में चर्चा हम कल करेंगे कि क्यों अर्जुन खुद ने इच्छा की थी, उसने ही मांगा था, लेकिन जो मांगा, जो इच्छा की, वो प्राप्त करने के बाद भी असंतुष्टता क्यों मन में रहती है, इसका कारण क्या है, तो वो आचार्यगण बताते हैं। तो उसकी चर्चा हम अगले श्लोकों में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस अध्याय का फिर आखिरी सेक्शन बचता है, जिसमें अर्जुन अभी भगवान को सौम्य रूप प्रदर्शित करने के लिए रिक्वेस्ट करेगा, और फिर भगवान अपने उस सौम्य रूप को प्रदर्शित करेंगे, और श्रील प्रभुपाद उस सौम्य रूप की महिमा के बारे में तात्पर्य में भरपूर उच्चारण करेंगे। तो वो सब हम कल के सत्र में देखेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। माफी चाहता हूँ कि दोपहर का सेशन हो नहीं पाया, क्योंकि सीनियर डिवोटीज के साथ कुछ मीटिंग चल रहा था और वो चलता रहा, तो फिर मैं कॉल के लिए या मीटिंग के लिए फ्री नहीं हो पाया। लेकिन कल हमारा जो सत्र होगा, तो अभी यहाँ पर कुछ सेवाओं का टाइमिंग्स चेंज हो गया है। जैसे अभी रोज शाम को हमारे सब भक्तों को कम्युनिटी सर्विसेज, मतलब जो भी पेंडिंग खेती के वगैरह काम है, वो सब सेवा में सब भक्त